हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज बारिश का मौसम चल रहा है और ये मौसम प्लांट्स लगाने का मौसम है, तो आज मैं नर्सरी गई थी। कुछ प्लांट्स मैं खरीद के लाई हूँ और वही प्लांट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको रेट भी बताऊँगी। फ्रेंड्स, ये मौसम में आप महंगे प्लांट्स भी ला के लगा सकते हैं और कभी कभी क्या होता है, बेमौसम प्लांट्स आप लगाइए और महंगे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि ये बाहर से आते हैं, इनकी मिट्टी दूसरी तरह की होती है, किसी की लाल मिट्टी होती है, किसी की काली मिट्टी होती है, तो डिफरेंट टाइप की मिट्टीज होती हैं, तो उनको थोड़ा सा सर्वाइव होने में वक्त लग जाता है। लेकिन ये मौसम जो है इनको सर्वाइव करने में बहुत मदद करता है, इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादातर कि हम लोग बरसात के मौसम में प्लांट्स लगाएँ। तो इस समय महंगे महंगे प्लांट्स भी आप ख़रीद सकते हैं और कोशिश कीजिए महंगे प्लांट्स तो ले ही लें, लेकिन जो महंगे हैं उनके आप छोटे साइज़ के प्लांट्स ले लीजिए, तो वो बड़े हो जाएंगे खुद ही इस समय मौसम में, जल्दी तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं मैं कौन कौन से प्लांट्स लाई हूँ और उनके रेट क्या हैं। तो सबसे पहला प्लांट्स तो मैं जिसके लिए गई थी नर्सरी में, वो ये परजात का वृक्ष है। इसको परजात का प्लांट्स, हर श्रृंगार का प्लांट्स भी बोलते हैं। मेरे पास था नहीं, एक बार मैंने लगाया था तो मेरा ख़राब हो गया था, तो ये मैं इसके लिए विशेष रूप से गई थी। फिर और प्लांट्स भी खरीद लाई, तो ये आप परजात का प्लांट लगाइए, बहुत सुख प्लांट्स है, इसके पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो एक ये हम लाए, ये मुझको उन्होंने 150 रुपये में नर्सरी वालों ने दिया है। हो सकता है कि रेट में सब ये प्राइवेट नर्सरी थी, चूँकि रेट में फ़र्क भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा प्लांट्स कितने तक में कितना बड़ा। साइज़ पे डिपेंड करता है, बड़ा प्लांट्स है तो आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद मैं ये दूसरा प्लांट्स लाई हूँ, ये गंधराज का, इसके किनारे साइड से कर देते हैं। ये मैं गंधराज का प्लांट्स लाई हूँ, इसकी फ्लावर्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं वाइट कलर के, बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। देखिए इसमें फली भी आ गई है। तो एक ये प्लांट मैं गंधराज का लाई और ये भी देखिए इतना छोटा सा ही प्लांट्स है, लेकिन ये भी उन्होंने मुझे 150 रुपये में दिया है। ये गंधराज का प्लांट्स लेकर के मैं आई हूँ। और दूसरा मैं ये एक रबर प्लांट लेकर के आई हूँ, ये छोटा है, इसको उन्होंने मुझे 100 रुपये में दिया। रबर प्लांट्स कई तरह के आते हैं, आपने देखा होगा, ग्रीन में होता है, शेडेड में होता है, ये थोड़ा ब्लैक स्लीफ है, ये चमकीली और इंडोर प्लांट्स है, बहुत अच्छा चलता है। तो एक ये मैं रबर प्लांट्स लेके आई हूँ, ये उन्होंने 100 रुपये में दिया है। और एक मुझे ये कैलिडियम दिख गया था, कैलिडियम में आपने देखा होगा पत्ते बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, तो ये वाला लीव्स मेरे पास था नहीं, तो रेड लीफ का इसके जो कलर्स होते हैं बीच बीच में शेड वगैरह, वो फ़र्क होते हैं। शेप तो लीफ का ऐसे ही लगभग होता है, लेकिन पत्तों का शेप जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो एक ये कैलिडियम का प्लांट्स ना है, बहुत छोटा है मेरे ख्याल से, इसमें ये एक ही बल्ब लगा है इसमें, लेकिन ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये मुझे उन्होंने 25 रुपीज़ का दे दिया। और एक ये प्लांट मैं लेके आई हूँ और एक मैं ये नीलकंठ का प्लांट लाई हूँ, इसमें ब्लू कलर के नीले रंग के बहुत सुंदर फूल होते हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ा लगा हुआ था, ये झाड़ी नुमा पौधा है, उसमें नीले कलर के बहुत अच्छे फूल लगे हुए थे, तो मैंने उनसे फिर ये वाला प्लांट मांगा, ये ब्लू कलर का एक ये प्लांट मैं लेकर के आई हूँ, ये नीलकंठ का प्लांट है, ये देखिए ये झाड़ी नुमा पौधा बन जाता है। ये मुझे उन्होंने 50 रुपीज़ में दिया है, कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर देते हैं, कहें तो 75 बोल रहे थे, 50 में। फिर एक ये लाल जरी का प्लांट्स, इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती है, देखिए ये भी उन्होंने, छोटा सा प्लांट्स है ये भी उन्होंने, ये देखिए ये उन्होंने 50 रुपीज़ में मुझे दिया है, ये लाल जरी का प्लांट्स, इसको लाल बादशाह भी बोलते हैं, कोटनी फोलिया भी बोलते हैं, कई नाम इसके हैं। एक प्लांट्स मैं ये लेकर के आई, वो एक ये लाई, और एक ये मैं मैक्सिकन पिटूनिया ले आई हूँ जो सदाबहार रहता है, ये बैगनी कलर वाला फ्लावर, देखिए मैक्सिकन पिटूनिया में शाम तक पौधे वैसे ही फूल गिर जाते हैं, तो ये इस कलर का मेरे पास बैगनी कलर के फ्लावर्स का नहीं था, पिंक कलर के वाइट कलर का मेरे पास था, तो ये भी 25 रुपीज़ में उन्होंने मुझे दे दिया। तो एक ये मैं पौधा लेकर के आई हूँ, तो ये कुल मैं 6-7 पौधे लेकर के आई हूँ। और
मैं इनको लगाऊंगी फ्रेंड्स, और आप भी देखिए इस समय पौधे खरीदिए, लगाइए नर्सरी में, एक से एक वैरायटीज। अरे ये परमानेंट प्लांट्स भी हैं, हमेशा आपके पास रहेंगे ये परमानेंट प्लांट्स हैं। तो नर्सरी जाइए और इस समय पौधे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ओके फ्रेंड्स, बस इतना ही आपको अपनी परचेजिंग शॉपिंग दिखानी थी कि मैंने प्लांट्स की शॉपिंग की है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।